हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको इस जेल को लगा लेना है और इसे लगाने के बाद आपके बाल ऐसे ही सुपर सिल्की सॉफ्ट मुलायम होंगे और साथ ही आपके बाल धीरे धीरे नेचुरली स्ट्रेट होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी केमिकल के अपने बालों को ऐसे ही सुपर सिल्की सॉफ्ट मुलायम बनाना चाहते हैं, नेचुरली स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आप इस जेल को लगाना शुरू कर दीजिए। और जब आप 2 से 3 बार इस जेल को इस्तेमाल करेंगे ना, उसके बाद ही आप देखेंगे आपके बालों का जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा, यानी कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सुपर सिल्की सॉफ्ट मुलायम होंगे और नेचुरली स्ट्रेट होने लगेंगे। तो अगर से आपको केमिकल वाली चीज़ों पे बिलीव है तो आप उसे आराम से यूज कर सकते हैं। अगर से आपको DIY पे बिलीव है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर यूज़ करें। तो दोस्तों, आज मैं अलसी के बीजों का एक मास्क बनाऊँगी, एक जेल प्रिपेयर करूँगी, जिसे आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही लगाना है अपने बालों में। आप 1 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं और 2 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं लगभग 5 से 6 स्पून ली हूँ अलसी के बीजों को, इसे अच्छे से साफ कर ली हूँ। देन एक पैन में इसे ले ली हूँ और उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 ग्लास फिल्टर वाटर। लगभग 1 ग्लास आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा कर सकते हैं या फिर और कम बना सकते हैं। दोस्तों, बालों को लंबा घना बनाने के लिए अलसी का बीज बेहद फ़ायदेमंद है और अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर व प्रोटीन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व तो बालों को झड़ने से रोकने और बालों को पतला होने से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये जेल न सिर्फ आपके बालों को सुपर सिल्की सॉफ्ट मुलायम बनाते हैं बल्कि आपके बालों की जड़ों को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। फिर आपको इसे कुक कर लेना है, यानी कि 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और जब ये पक जाएगा, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो फिर आपको जब ये हल्का गुनगुना रह जाएगा ना, तभी आपको इसे छान लेना है। मैं यहाँ पे एक कॉटन से कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे छानने के लिए, तो क्योंकि ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में हो जाता है तो छन्नी से ना जल्दी ये नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं इस कपड़े के हेल्प से इसे जेल को रिमूव कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं इसे। फिर आपको इसे अपने पूरे बालों में अच्छे से लगा लेना है 2 घंटे के लिए या फिर आप 1 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज आप देखे होंगे कि जो मार्केट का जेल आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, अपने बालों को सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए, तो उनका आगे चल के बहुत ही गलत इफ़ेक्ट देखने को मिलता है आपके बालों में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, घर की चीज़ों का इस्तेमाल करें। इस जेल को निकालने के बाद और सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेना है .com के हेल्प से। देन थोड़े थोड़े से जेल को लेके अपने पूरे स्कैल्प से लेके बालों के लेंथ तक की एरिया में अच्छे से लगा लीजिए, एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए। अगर से आपके बालों में ऑयल भी लगा है तो भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। नहीं तो जितना आप साफ बालों में इसे अप्लाई करेंगे ना, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिजी से हैं, तो आप इसमें 1 स्पून कैस्टर ऑयल मिक्स करके भी इसे लगा सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।